गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो टेम्परेचर के बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो गैसेस को लेकर आता है, और आपने कभी नाम भी सुने होंगे इनके, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, मींस इट इज ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो नेचुरल गैस में हमने सबसे पहले सुना होगा सीएनजी। आप सभी को बताया कि हमारे दिल्ली में ज्यादातर व्हीकल सीएनजी से चलते हैं, और सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसका जनरली यूज क्या होता है? यूज एज अ फ्यूल इन अ व्हीकल, इसका फ्यूल के रूप में व्हीकल्स में यूज किया जाता है। एलपीजी, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जनरली बच्चे इसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, जो कि गलत होता है। इसका फुल फॉर्म पूरा क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इट यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल। आपके घरों में जो सिलेंडर आता है वो हम, उसमें हमारी कौन सी गैस होती है? एलपीजी। एंड देन पीएनजी, पीएनजी आपके सामने फर्स्ट टाइम आ रहा है, पाइप्ड नेचुरल गैस। इट यूज फॉर डोमेस्टिक, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंजप्शन के रूप में इसका यूज किया जाता है। अब बात आती है इन दोनों गैसेस में, तो सीएनजी में सबसे ज्यादा मेनली गैस जो होती है वो मीथेन होती है, एलपीजी में ज्यादातर ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन होती है। ठीक है, अब गैसों को कैसे लिक्विफाई किया जाता है? तो गैसों को लिक्विफाई करने के लिए क्या करते हैं कि जैसे जनरली ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम क्या करते हैं कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे इनको कंप्रेस किया जाता है, और ये जनरली गैसें किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं? लिक्विड में। जैसे इंक्रीज प्रेशर एंड डिक्रीज टेम्परेचर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, इसी तरह से सॉलिड भी। यानी टेम्परेचर और प्रेशर दो ऐसे पैरामीटर्स हैं जो किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करने में हेल्प करते हैं। तो गैसों को कैसे लिक्विफाई किया जाता है? हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, तो दीज आर द टू फेवरेबल कंडीशन विच हेल्प टू लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। अब जनरली बात आती है हमारी ड्राई आइस की, तो व्हाट इज ड्राई आइस? आपने कभी सुना है ड्राई आइस क्या होता है? तो ड्राई आइस बोला जाता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। और इस गैस, इस ड्राई आइस की खासियत ये होती है कि ये कभी भी लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होती, उसको ठंडा करती है और इवेपोरेट हो जाती है। इट इज अ सब्लिमेटिंग कंपाउंड। ड्राई आइस मीन्स सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज कॉल्ड ड्राई आइस। एंड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस क्यों कहते हैं? बिकॉज सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसेस स्टेट विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर टू 1 atmosphere। अगर हम प्रेशर को 1 atmosphere डिक्रीज करते हैं तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सीधे गैस स्टेट में चला जाती है विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। नाउ फाइनली टॉपिक आता है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी होता है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड डेंसिटी, यानी मास अपॉन वॉल्यूम। जैसे सॉलिड से उनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, लिक्विड की डेंसिटी कम होती है, गैस की डेंसिटी और कम होती है। तो ऐसे यूनिट डेंसिटी का होता है मास को, ऐसे यूनिट होता है केजी, और वॉल्यूम का होता है मीटर की, तो किलोग्राम पर मीटर की। जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10^3 केजी पर मीटर क्यू। इट मीन्स कि अगर आप 1 meter क्यूब का एक टैंक बनाते हैं और उसमें पानी डालते हैं तो 1000 kg आएगा। तो ये डेंसिटी है। और सबसे ज्यादा डेंस पार्टिकल है न्यूक्लियस, 2.17 × 10^17 kg/m³ न्यूक्लियस ऑफ एटम। अब बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन होता है कि व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, तो आपको पता है कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आइस डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और आइस इज लेस डेंसर देन वाटर, और आइस की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है वाटर से। तो इसीलिए जिसकी डेंसिटी कम होगी वो चीज फ्लोट करेगी, तो हेंस आइस फ्लोट्स ऑन द वाटर सरफेस। थैंक यू।